फाइनली उसे लगता है कि कुणाल उसके पास आ गया है, लेकिन दीदा की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके उसे उनके पास जाना पड़ता है। एंड ऑफकोर्स दीदा मुझे मैसेजेस भेज रही है कि देखो दिस इज़ कॉल्ड हस्बैंड वाइफ, तो तुम उनके बीच कभी नहीं आ सकती। तो ऑफकोर्स आई एम जस्ट गेटिंग हैसल विद ऑल। लेकिन आज तो कुणाल ने भी आपसे कह दिया कि मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसने बोला है कि वो यहीं मेरे साथ है, सो ऑफकोर्स वो मुझे थोड़ा अश्योरिटी है कि शायद वो मेरे साथ ही रहेगा। सो बेसिकली अब हमें आपको छुप छुप के प्यार देने वाला है, और क्योंकि वो दीदा से छुप के आने वाले हैं। हाँ, आँख में चोली टाइप्स। थैंक यू। फाइनली उसे लगता है कि कुणाल उसके पास आ गया है, लेकिन दीदा की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके उसे उनके पास जाना पड़ता है। एंड ऑफकोर्स दीदा मुझे मैसेजेस भेज रही है कि देखो दिस इज़ कॉल्ड हस्बैंड वाइफ, तो तुम उनके बीच कभी नहीं आ सकती। तो ऑफकोर्स आई एम जस्ट गेटिंग हैसल विद ऑल। लेकिन आज तो कुणाल ने भी आपसे कह दिया कि मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसने बोला है कि वो यहीं मेरे साथ है, सो ऑफकोर्स वो मुझे थोड़ा अश्योरिटी है कि शायद वो मेरे साथ ही रहेगा। सो बेसिकली अब हमें आपको छुप छुप के प्यार देने वाला है, और क्योंकि वो दीदा से छुप के आने वाले हैं। हाँ, आँख में चोली टाइप्स। थैंक यू।